जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्यूनेट के वी सेल के बारे में। लास्ट संडे की वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी क्यूनेट का पीडीएस। पीडीएस यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिस्टम, कुछ लोग इसको सेमिनार भी बोलते हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं समझ सकते हैं। आज हमें वी सेल इसलिए जानना है क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था पीडीएस और वी सेल में फर्क क्या है, तो पीडीएस मैं समझा चुका हूं, अब हम वी सेल के बारे में समझेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग नए नए क्यूरेट में आए हैं, किसी ने ज्वाइन किया है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाला है या किसी ने अप्रोच किया है, वो इस चैनल में प्लेलिस्ट है क्यूनेट क्वेरीज करके, आप उसको देखिए, 70 के अराउंड वीडियोस हैं, जितना हो सके देखिए, पूरी की पूरी डीप नॉलेज मिलेगी आपको साइन अप करने से पहले, या आपका अपलाइन आपको नहीं समझा रहा होगा उस कंडीशन में भी आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद भी अगर वीडियो देखने के बाद भी आपको लगता है कि आपको कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही, आप मुझे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की जो चैट्स होती है उसमें मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। पीडीएस बता दिया मैंने आपको, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिस्टम्स, यानी वहां पे आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाएगा। जो अप्लायंस ने स्ट्रगल किया है क्यूनेट में वो सब आपको बता के, यानी आपको ये समझाया जाएगा कि आपको भी यहाँ पे स्ट्रगल करना है, तो वो बताने का मोटिव वहां पे वो होता है कि आपको बिजनेस पे कंटिन्यूस काम करना है, वो सब चीजें समझाने के लिए वहां पे होती है। वी सेल होता है टेक्निकल प्रोग्राम, यानी टेक्निकल टर्म्स भी समझना बहुत जरूरी है। क्यूनेट एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर चलता है, क्यूनेट का पोर्टल समझना बहुत जरूरी है, क्यूनेट में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझना जरूरी है, क्यूनेट में अर्निंग का पोटेंशियल समझना जरूरी है, ये सारी चीजों का मिक्सचर वी सेल में आता है। बट यहाँ पे कैच क्या है, मैक्सिमम अप्लायंस आपको 2 से 3 महीने के बाद ही आपको वी सेल में ये ट्रेनिंग्स करवाएंगे, क्योंकि इनिशियली तो वो ये सब समझाएंगे। अगर आपने पहली 2-3 बार ज्वाइन किया, अभी आप 2-3 आपने वी सेल ट्रेनिंग्स अटेंड किए, तो आपको इनिशियली तो सिर्फ इतना ही समझाया जाएगा किस तरीके से आपको कॉल करनी है, किस तरीके से आपको साइन अप करना है, चीफ के वीडियो मैसेजेस दिखाए जा सकते हैं, ये सब चीजें आपको प्रोसेस में चलेंगी। बट जो एक्चुअल टेक्निकल है ना, जो पोर्टल, वो आपको 2 से 3 महीने के बाद समझाया जाएगा, क्योंकि अप्लायंस ज्यादातर ये फोकस में रखते हैं कि क्या सामने वाला पर्सन मुझ पे भरोसा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। यानी यहाँ पे अप्लायंस चाहते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट, जो कि बहुत गलत है। ये हमारे ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट की जो अथॉरिटी दी जाती है, हमें पुश किया जाता है कि ब्लाइंड ट्रस्ट करो, ये बहुत गलत स्टेप है। हमें अप्लायंस पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, अपने माइंड को ओपन करके रखना है, आपको प्रोसेस समझना है। भाई देखो, सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप बचपन से जो भी एजुकेशन में है, जब स्कूल गए होंगे, टीचर्स पे भरोसा करते हैं, बट टीचर्स पे कभी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते। आपके सामने बहुत सारे टीचर्स आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर आते हैं, वो अपनी नॉलेज के थ्रू आपको पढ़ा के जाते हैं, आपको पढ़ना है, समझना है कि जो उन्होंने समझाया। बट लाइफ में आप ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे नहीं करते। अगर आपको लगता है कि कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या कुछ भी गलत है, आप उसको गलत प्रूफ कर पाते हैं, अगर सब करने की कोशिश भी करते हैं, तो वो तभी कर पाएंगे जब आप अपना दिमाग चलाएंगे। तो दिमाग चलाना बहुत जरूरी है, इसकी कैलकुलेशन समझना, रजिस्ट्रेशन पोर्टल सब कुछ समझना बहुत जरूरी है। बट अपलाइन आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि इसके पोर्टल बोलेंगे, रीजन ये देंगे कि आपको पोर्टल चलाना इतनी जल्दी आएगा नहीं, और आपको खुद से आप गलत प्लेसमेंट कर दोगे, कभी लेफ्ट में कर दी, कभी राइट में कर दी, इंटेंशनली वो नहीं समझाना चाहते। आपको समझना जरूरी है, अगर आप क्यूनेट में एंट्री कर रहे हो ना, सबसे पहले पोर्टल सीखो, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन सीखो, बहुत 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 जरूरी है पोर्टल और रजिस्ट्रेशन। मैं भी उसकी वीडियो लेके आऊंगा, बट वो वी सेल का पार्ट है, इसलिए मैं वी सेल के वीडियो के बाद लेके आऊंगा, ताकि आपको टेक्निकल चीजें पता लग सके। अभी मैंने टेक्निकल बहुत चीजें समझाने की कोशिश की है आपको, मैंने कॉम्पेंसेशन प्लान की वीडियोस बना के दी है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे वी सेल में होता क्या, एक्चुअली एक छोटा सा जो CTC अप्लाइन होता है, वो अपना जो टीम काउंट होता है उसका 30 के राउंड 40 के राउंड 50 के राउंड, वो एक छोटा सा पार्ट उसको कहीं ना कहीं सबको बुलाता है। हो सकता है आपके नियरेस्ट कोई कॉन्फ्रेंस रूम बुक किया जाए, कोई ऑडिटोरियम बुक किया जाए, जिसमें वो 30-40-50 लोग आ सके, एक छोटा सा ग्रुप बन सके। और ग्रुप्स में बुक्स से स्टार्टिंग होती है कि आपने बुक्स पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तो बुक्स की शेयरिंग होती है, वहाँ पे चीफ का वीडियो मैसेज चलाया जा सकता है, वहाँ पे आपको मॉक प्रैक्टिस कराई जाती है कि किस तरीके से आपको हॉट साइनअप्स करने हैं,
किस तरीके से आपको कोल्ड साइनअप्स करने, किस तरीके से वार्म साइनअप करने, किस तरीके से ओएबडी साइनअप्स करने, ये चारों टाइप के साइनअप्स क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझाऊंगा। अभी बस इतना समझे, ये इनकी सेल्स का तरीका है, बट फिर भी ये लोग आपके मुंह पे नहीं करेंगे, कहेंगे कि ये सेल्स है। इनडायरेक्टली ये सेल्स ही है, आपको एक सेल्स पर्सन की तरह ही वो सीखना है, वो टेक्निक सीखनी है कि सामने वाले को आपको क्या पिच करना है। यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला पर्सन बहुत ही परेशानी में है, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी बहुत खराब है, तो वहां पे उसे इस तरीके से पिच किया जाता है कि तेरी कंडीशन खराब है, मैं बदल सकता हूँ, मेरे को लाइफ में एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है, उसी तरीके से मैं भी तेरी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, मेरे साथ आ, मेरे साथ मेहनत कर। सामने वाला पर्सन अगर कहता है सच में ऐसा अगर कुछ है तो मुझे बात करा, मेरे को आगे काम करना है, तो वो सामने वाला पर्सन ये कहेगा जो उसको पिच कर रहा है कि ठीक है मैं तेरी अपने सीनियर से मुलाकात कराऊंगा या मिलवाऊंगा, या मेरे को अपना सीवी दे दे, या मैं तेरे को दो दिन के बाद बताऊं, कुछ भी तरीके से वो बोल सकता है। फिर दो दिन के तीन दिन के बाद आपको फिर से अप्रोच किया जाता है, जिसमें आपको बोला जाता है कि ठीक है तेरा सिलेक्शन हो गया, तुझे आगे काम करना है, मैं तेरे को अपने अपलाइन से मिलाऊंगा, इस जगह पे आ जा, या जूम मीटिंग होगी या कुछ भी तरीके से ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग्स होगी, उसमें डिटेल डिस्कशन होगा। तो ये सारे स्टेप्स पूरी मॉक प्रैक्टिस वी सेल में करवाई जाती है, और जिम्मेदारी उसी सीनियर की होती है वो किस तरीके से सीख पा रहा है। तो यही समझाने का पर्पस है कि वी सेल की ट्रेनिंग्स आपको ओपन माइंड होके सुननी है, फॉलो योर अपलाइन ये नहीं करना, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, आप सीखो समझो बट अपने माइंड को ओपन करके समझो, वो बहुत जरूरी है। आई होप आपको समझ में आएगा कि वी सेल में एक्चुअली होता क्या है। वी सेल में सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल ट्रेनिंग्स को दिया जाता है, जिसमें बुक्स आपकी पूरी की पूरी वहां पे पोर्टल की नॉलेज वो सारी चीज दी जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, प्लीज जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है कमेंट्स में पूछिए या इंस्टाग्राम पे पूछिए, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।